एक दिन से चार्ज हो जाएगी तो संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मुझे अभी पहले से करेक्ट करना है। ये देखो डॉक्स को देखते के साथ में इसने ये घात लगाने लगती है कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूँ डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट और ट्रेनर मुकुल आर्य। दोस्तों वैसे तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे पहले से अपने ट्रेन डॉग्स की वीडियो डालता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। मैं ब्लॉग फॉर्म में वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से डॉग्स को ट्रेन करते हैं, कैसे उनको की ओबीडियंस ट्रेनिंग होती है, कैसे प्रोटेक्शन ट्रेनिंग होती है, कैसे उनको मैनर्स की ट्रेनिंग होती है और कैसे उनके बिहेवियर को करेक्ट किया जाता है। ज्यादातर मेरे पास में बिहेवियर करेक्शन के केस होते हैं, जैसे डॉग्स के अंदर कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कुछ डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ डॉग्स के अंदर फियर होता है काफी ज्यादा, और कुछ डॉग एंग्जस होते हैं, तो उनकी एंजाइटी को ठीक करना, उनके फियर को खत्म करना या उनके एग्रेशन को ठीक करना, ये मेरा मेन काम है। तो ऐसे तो मैं आपको बताता रहा हूँ हमेशा से कि कैसे करना होता है, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे इन चीजों को ठीक करते हैं और कैसे डॉग्स को ट्रेन करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में और हमेशा इस चैनल पे, ताकि आपको काफी चीजें लर्निंग को मिलेगी और लर्निंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी रहेगा, क्योंकि अब ब्लॉग फॉर्म में रहेगा तो बोरिंग चीज कुछ रहेगी नहीं, इसलिए वक्त कुछ सीखने को भी मिलेगा और मजा भी आएगा। तो बने रहिएगा, तो अब चलते हैं सीधे अपने पहले ट्रेनिंग पे। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं ज्वाला के घर और इसको लेके अभी बाहर चलेंगे, क्योंकि अभी इसकी तो घर में टेरिटरी बनी हुई है, घर के अंदर इसके एग्रेशन दिखाने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको बाहर लेके चलेंगे इसकी टेरिटरी से बाहर। वहाँ पे ये फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगी और आसान रहेगा इसे, अगर ये कुछ करती हुई तो इसे कंट्रोल करना आसान रहेगा। तो उसको अपने लीश वगैरह पहना के और पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, लीश लगा लेते हैं और उसको मजल भी पहना लेते हैं ताकि ये काट ना पाए, क्योंकि ये एक बार मुझे पहले से काट चुकी है, तो अच्छा रहेगा कि पहले से प्रोटेक्शन अपनी ले लें ताकि जो पहले चीज हो चुकी है तो फिर ना हो, क्योंकि एक इनसिक्योर हो गया, इसका पता नहीं है कि कब किस चीज़ को लेके इनसिक्योर हो जाए और एकदम से एग्रेसिव हो जाए। तो अपना मज़ल पहना के तब लेके चलते हैं, मज़ल इसको फिट कर दी गई है और तब चलते हैं बाहर लेके। तो अभी तो ये भी आराम से चल रही है, देखते हैं डॉग्स को देखते हैं साथ में इसको क्या होता है। देखिए ये देखिए ये डॉग दिख रहा है इसको, मैंने नहीं देखा डॉग, लेकिन मैं इसकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गया कि कोई ना कोई डॉग सामने जरूर होगा। देखिए कितनी दूर डॉग है और इसकी बॉडी लैंग्वेज डॉग को देखते ही साथ चेंज होने लगी। देखिए बिल्कुल अलर्ट हो गई है, कैसे कान खड़े कर लिए इसने, इसको एकदम से तैयार हो जाते हैं एकदम लड़ने के लिए, इतनी इनसिक्योर डॉग है कि इसको कुछ ना हो जाए। तो ये देखिए, लेकिन मुझे पता है एकदम से चार्ज हो जाएगी तो संभालना मुश्किल होगा, इसलिए मुझे अभी पहले से करेक्ट करना है कि ये लड़ने के लिए ना जाए। नो Don't fight. चलो आराम से चलो। Nope. ये देखो डॉग्स को देखते के साथ में इसने ये घात लगाने लगती है कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। देखो कैसे एकदम फ्रीज हो गई, और डॉग कितनी दूर है इससे, इसके पास आ जाए तो क्या करेगी। ये देखो कितनी अलर्ट है कि अभी कुछ करना है। देखो डॉग के स्मेल कर रही है, ये भी ठीक से गया है वो डॉग। ये देखो कितनी अलर्ट रहती है, बस इसके दिमाग में ना लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। कितनी दूर है डॉग, कितनी दूर डॉग है, लेकिन इसको जो है ना इतनी दूर से देखते के साथ में इसको के दिमाग में ना लड़ाई के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, अब नहीं छोड़ूंगी किसी को। बहुत दूर है डॉग, देखो हो गई थी यार। डॉग्स को देखते के साथ में ना जहां कोई भी दूसरा डॉग दिखाई दिया वहीं पे इसको लड़ने के लिए जाना है। चलो आराम से
आ गया डॉग, खींचने लग गई मेरे को डॉग की तरफ जाने के लिए। नो नो नो, नो ज्वाला, नो, डरना नहीं है, चलो चुपचाप। देखो कैसे लीश पुलिंग कर रही है, कैसे मुझे खींच खाच के ले जा रही है ये। एक्चुअली मैं इसको वॉक नहीं करा रहा, ये मुझे वॉक करा रही है, ऐसे खींच के ले जा। तो ज्वाला को दिख गया है फिर से एक नया डॉग, ज्वाला हो गई है अलर्ट, इसने बढ़ा दिया अपनी स्पीड, कान कर लिए है खड़े और बिल्कुल रेडी हो गई है लड़ने के लिए। और डॉग्स देखो अभी कितनी दूर है, अभी देखो कितनी दूर डॉग है अभी, लेकिन ये अभी से तैयार होगी लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों हम इसको अभी ज़्यादा से सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसे करेक्ट नहीं कर रहे हैं इसकी गलतियों के लिए, नहीं तो ये अगली बार हो सकता है मेरे साथ आए ना घर से, कि मुझे अपनी मन मर्जी करने नहीं देते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे में डॉग आना ही बंद कर देता है ट्रेनिंग पे। तो हम इसको अगली बार इसकी एक एक गलतियों को सुधारते हुए रहेंगे, एक एक गलती पकड़ेंगे और उनको ठीक करेंगे अगली बार से। अब ये पता चल गया है कि इसका एग्रेशन किस लेवल पे है, ये ठीक होने वाला लेवल है, आराम से ठीक हो सकती है। हालांकि किसी भी लेवल पे डॉग हो एग्रेशन के और ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें कभी भी अगर हमारे डॉग्स के अंदर एग्रेशन को लेके कुछ भी बात चल रही है, तो हमें कभी भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके लिए घर ढूंढे हम, उसको उसे किसी को दे रहे। तो हमें बिल्कुल भी इसको देना किसी को नहीं है। अगर हमारा डॉग कभी भी अग्रेसिव हो जाए तो हमेशा ठीक करना उसको, तो ठीक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इसको फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या कर कैसे कितने लड़ने को भागना है इसको। हाँ इतना तो पता चल रहा है कि ये लीश पुलिंग करती है बहुत ज्यादा, पर देखो कितना कहाँ चल रही है ये, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मेरे से कितने आगे आगे जा रही है, लीश पुल कर रही है ये, यानी कि ये एक डोमिनेटिंग नेचर की डॉग तो है ही है ये। इसको लड़ना है, दूसरों को दिखाना है कि मैं कितनी स्ट्रोंग हूँ, तो इसको से सारी चीजें ठीक करनी है हमें। और आज तो ज्यादा कुछ मौका मिला नहीं इसे करेक्ट करने का, लेकिन जल्दी इसे करेक्शन कर दी जाएगी इसकी। और दोस्तों शायद यहाँ पे आपको आवाज काफी होगी नॉइज, ऊपर मेट्रो चल रही है, इधर गाड़ियां चल रही है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे इसका जो है ज्वाला को मैं पहले भी आया था इसको ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उस समय इसने यहीं पे कुछ डॉग्स मिल गए थे और डॉग से लड़ने लगी बहुत बुरी तरह से, और मैं इसको छुड़ाने लगा उनसे, तो मेरे को भी काट लिया इसने और बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी मुझे, मेरे अभी तक भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो तो खैर सब ठीक हो जाएगा और ज्वाला भी ठीक हो जाएगी। और तो दोस्तों फिर अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की लर्निंग यही है कि हमारे डॉग में अगर कभी भी एग्रेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम आए, तो हमें उसे किसी को देना नहीं है, उसको ठीक करना है, वो आराम से ठीक हो जाएगा। कोई अच्छे ट्रेनर और डॉग बिहेवियरिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आप हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे अभी आगे, तो बने रहिएगा दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।